ओम साई राम। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को साईं बाबा की पूजा से क्या तात्पर्य है और साईं बाबा किस प्रकार की पूजा से प्रसन्न होते हैं, यह हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे। बशर्ते आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को सर्वप्रथम आपके चैनल के वीडियो प्राप्त हो जाए। भक्तों, आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ताकि आपको भी यह पता रहे कि बाबा की पूजा से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार की पूजा से साईं बाबा प्रसन्न होते हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय साईं राम जरूर बोलें। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साईं बाबा ने साईं सचित में कहा है कि अपने अच्छे कर्म से मनुष्य भगवान की पूजा करके मुक्ति अथवा परम आनंद को प्राप्त करता है। अपने अंतर मन की गहराइयों से अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित होकर उसका स्मरण करना और निर्धारित पूजा सामग्री व विधि विधान पूर्वक स्मरण करते हुए इसका उपयोग करना पूजा कहलाता है। पूजा करने वाला व्यक्ति अपने मन के सभी वैर, लोभ, अहंकार आदि दुर्भाव को त्याग कर संपूर्ण समर्पण के साथ पूजा अर्चना करता है तो उसके मन को एक असीम शांति मिलती है और उसके रोग विकार सहज ही दूर हो जाते हैं। भक्तों, महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान के पूजन अर्चन के महत्व को प्रकट करते हुए लिखा था कि जो मनुष्य उस अविनाशी परम पुरुष भगवान श्री हरि का सदैव श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन अर्चन करता है और स्तवन व नमस्कार पूर्वक उसकी उपासना करता है, वह भक्त उस अनादि अनंत सभी लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष परम पिता परमात्मा की नित्य स्तुति करता हुआ सभी दुखों से पार हो जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साईं बाबा की पूजा अर्चना करने वाले सत्पुरुष को प्रायः ब्रह्म मुहूर्त में शयन त्याग देना चाहिए। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ईश वंदना करनी चाहिए। ऐसा ऋग्वेद में भी कहा गया है कि जो मनुष्य उषा काल से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, वे धर्म का आचरण करने वाले और बुद्धिमान होते हैं। जो स्त्री पुरुष ईश्वर का ध्यान करके प्रेम पूर्वक संवाद करते हैं वे अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। पूजा अर्चना में भगवान को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, किंतु परमात्मा मनुष्य के गुण रूपी पुष्पों के अर्पण से अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पद्म पुराण में बताया गया है कि परमात्मा को मनुष्य के गुण रूपी 8 पुष्प अधिक प्रिय हैं। वे 8 पुष्प इस प्रकार हैं। पहला पुष्प है अहिंसा, दूसरा पुष्प है इंद्र निग्रह, तीसरा पुष्प है प्राणी मात्र पर दया भाव दिखाना, चौथा पुष्प क्षमा भाव बनाए रखना, पांचवा पुष्प शांति, छठवां पुष्प मन का निग्रह, सातवां पुष्प ध्यान और आठवां पुष्प है सत्य। भगवान संतों की पूजा अर्चना में इन 8 पुष्पों को समर्पण करने वाला मनुष्य सहज ही उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। पूजा में भावनाओं का बड़ा महत्व है। जिस साधक की जैसी भावना होगी उसी के अनुरूप उसे पूजा का फल प्राप्त होगा। यदि भक्त पूजा में बैठा हुआ है किंतु उसका मन सांसारिक कामना वासनाओं में उलझा हुआ है तो भला उसे पूजा का क्या फल प्राप्त होगा। अतः आप लोग पूजा करने से पूर्व पूजा करने वाला मन बनाना आवश्यक है ताकि आप लोगों के मन में निश्चल भाव पनप सके और साईं बाबा उस मन में समा सके। मलिन कुविचारों से युक्त मन में साईं बाबा का वास नहीं होता। पूजा में साईं भक्ति और प्रेम पूर्वक अपने भक्त द्वारा अर्पित किए गए द्रव्यों को सगुण रूप से प्रकट होकर ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी प्रकार का उपदेश देते हुए कहा था कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल आदि अर्पित करता है
उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेम से युक्त भक्त का अर्पित किया हुआ पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। साईं बाबा की पूजा करने से तात्पर्य स्वयं को साईं बाबा के प्रति समर्पित कर देना ही है। वास्तव में पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भी मनुष्य को इसी प्रकार के भाव प्रदान करती है। यदि भक्त अपने जीवन में पूजन सामग्री के गुणों को अपना ले तो उसका उद्धार हो सकता है। जैसे पुष्प दूसरों को सुगंध प्रदान करते हुए खिला प्रसन्न रहता है, जल शीतलता और निर्मलता का भाव देता है, नैवेद्य मधुरता का भाव अक्षत अटूट निष्ठा प्रदान करता है, जबकि दीप स्वयं को जलाकर भी दूसरों को प्रकाशित करने की प्रेरणा देता है। तो भक्तों, कैसी लगी आप सभी को यह जानकारी? अब से आप लोगों को बाबा की पूजा करने से पहले कैसा मन बनाना है और कैसे पूजा करना है और कैसे साईं बाबा प्रसन्न होंगे, इन सवालों का जवाब प्राप्त हो गया होगा। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो इसे अपने भक्तों में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको हमेशा प्राप्त होती रहें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय साईं राम। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।